SP Athineta Mulayam Singh Yadav Matladutunnaru. Ippudu live chuddam. क्योंकि रामगोपाल ने आज बयान दिया है कि खोटे सिक्के के चक्कर में असली सिक्के को पार्टी से बाहर कर दिया है. आप कैसे देखते हैं रामगोपाल यादव? किसे रामगोपाल की बात है? रामगोपाल उनकी बात का अब कोई वो महत्व नहीं देता. अच्छा नेता जी, आपको नहीं लगता कोई आखिरी वर्ड होगा, लेकिन आपकी कुछ सुने तो. आप तो तीन दिन से ये कह रहे हैं कि एक साथ आ जाओ, लेकिन अखिलेश जी आज भी यहाँ नहीं है. आपकी कुछ सुने तो. नहीं बैठे तो, लेकिन आते तो नहीं है. आपने अभी कहा कि शिवपाल जी मंत्रालय में मंत्री बने कि नहीं. फिर अखिलेश जी, आपकी कोई मांगा है दो. न मैंने अभी कोई बात की है. अभी सारी मुख्यमंत्री में छोड़ता हूँ. भाई एक इतने सीनियर लोग बैठे आपने कहा था, खुद ही एक बात कही थी कि बहुमत जब मिला था सरकार को तो आपके नाम पर मिला था. लोग चाहते थे कि आप मुख्यमंत्री बने, लेकिन आपने अखिलेश को बनाया था. बहुत से नेता खुद ये मांग कर रहे हैं कि आप नेतृत्व संभाले, क्या आपके बारे में सोच सकते हैं? देखो इन्होंने सही सवाल पूछा, सही है तो मेरे नाम पर बहुमत नेता जी. लेकिन फिर हमने पहले राम सागर के सरपाल से और सरकार के मुख्यमंत्री अखिलेश जी को कहा. अब मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी क्या है, कैसे निभाएंगे वो खुद पर छोड़ दिया. नेताजी आप ये मांग कर रहे हैं कि आप इंडिया हर महीने का ये मांग कर रहे हैं पार्टी में कि आप फिर से नेतृत्व संभालें, आप इससे कोई विचार कर सकते हैं? मुख्यमंत्री बहुत सारे नेता पार्टी के ये चाहते हैं कि आप फिर से मुख्यमंत्री. इस बार उनको पूछिए. शिवपाल जी कहते हैं आपके मंत्रियों में बैठे, शिवपाल जी भी कहते हैं कि आप बने मुख्यमंत्री. मंत्री बना रहे, हटाए क्यों, क्या किया उनको पूछिए. नहीं नेताजी, मेरा सवाल ये है कि शिवपाल जी समेत कई जो आपके साथी हैं वो ये चाहते हैं कि मुख्यमंत्री का पद आप फिर से संभाल लें तो स्थिति ठीक हो जाएगी. क्या आप इस पे विचार कर रहे हैं? नहीं, अब क्या विचार करेंगे, तो महिला भी नहीं. खत्म हो रहा और नवंबर समझ लीजिए दिसंबर जनवरी में लगेगा आटा चलता. आटा चलता क्या कोई सरकार काम नहीं कर पाएगी, अपनी तनख्वाह बांटते रहेगी. आपने कहा कि सर नेतृत्व का सीवार और मंत्रियों में जानता हूँ. आटा चलता लग जाएगी फिर तनख्वाह बांटे. अखिलेश ये लड़की की बात सुने. नहीं खड़ी हो जा ना, सुन लो महिलाओं अभी तो चीजें. चेहरे के साथ ही लड़ेगी समाजवादी पार्टी, वही आपका चेहरा होंगे. अखिलेश यादव के चेहरे के साथ ही जाएंगे, वही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे 2017 का जो चुनाव लड़ेगी समाजवादी पार्टी. देखिए हमारी लोकतांत्रिक पार्टी है, साफ सुन लीजिए. अभी भी जब हमने मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया तो विधानमंडल की बैठक में नाम पेश किया, उन्होंने समर्थन दिया. तो अगर विधायक चुने जाते हैं, सब में ये परंपरा है, हमारी पार्टी में नहीं,
चाहे आपकी दिल्ली की सरकार बनी हो, शास्त्रों के बीच कोई चुनाव में जरूर गुटका बने के हम हमारे कामजी बनेंगे, फिर भी शास्त्रों के बीच मजाक करके उनका अप्रूवल लिया। तो सभी पार्टियां लेती है, तो परंपरा है नेताजी। नहीं, लेकिन एक एक अभी भी जब बने तय कर लिया नेताजी, और तय करके हमने विधानसभा में नेताजी के नाम पेश किया, हमारे साथियों ने स्वीकार कर लिया। नेताजी एक बड़ा सवाल, नेताजी एक सवाल ये है, और बड़ी मन में रखते हैं भाई, पहले तो हमारे नाम पर लड़ा गया, तुम नहीं जानता। एक सवाल ये है, सवाल ये है कि अगर सुलह हो गई है तो क्या फॉर्मूला, कल जो आप कहे, मैं एक विवादित बात नहीं कहूंगा, आप विवाद मेरा। सर एक साधारण नेताजी, आप देखिए एक एक करके बोल रहे, नेताजी एक सवाल, नेताजी हम बड़ा उम्मीद के साथ आप आए, एक एक करके मेरा एक सवाल, नेताजी अपील ऐसे अवसर पर हमेशा पत्रकार मेरा सहयोग करते रहे, उसी का सहयोग करना। नेताजी 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 एक सवाल, नेताजी नेताजी।